नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और लाइन स्क्वायर देखना स्टार्ट कर चुके हैं। आप एक और नया प्रोडक्ट लिया है हम आपके लिए, ये रिकॉर्ड का CDR प्लस वाटर हीटर, स्टोरेज वाटर हीटर 10, 15, 25, 35 की कैपेसिटी के साथ में आता है। 5 स्टार इसकी रेटिंग है, 2 किलोवाट के इसका एलिमेंट का वोल्टेज है और 2 साल इसके प्रोडक्ट वारंटी है, 5 साल इसकी टैंक वारंटी है। एनोड रॉड के साथ में आता है, हाई राइज बिल्डिंग के लिए कंफर्टेबल है, 8 पावर प्रेशर के साथ में आता है ये। और क्या क्या इसका लुक कैसा है देखने में और सारी चीज़ें, हाँ इंस्टॉलेशन इसके साथ में फ्री है, कनेक्शन पाइप भी इसके साथ में फ्री आते हैं और बाकी जो इसका लुक है वो हम अभी देखते हैं इसको अनबॉक्स करने के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यह दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो ये वाटर हीटर शेप है जो इसकी वो सिलेंड्रिकल है और वर्टिकल शेप में लगेगा ये। और चलिए निकाल लेते हैं इसको बॉक्स से बाहर। ये है इसका सेफ्टी वॉल और बाकी 16 एम्पियर के प्लग के साथ में आता है, प्लग वगैरह। और इसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है ये है इसका यूजर मैनुअल्स और लगभग CDR डीलक्स, CDR स्विफ्ट, CDR PR, CDP और 52 प्रो, ये सभी एक ही तरीके के मॉडल हैं इसी शेप के, सिलेंड्रिकल शेप के। और सारे जो है सभी की जो यूज़र मैनुअल्स है वो लगभग एक जैसा है। 2 साल इस प्रोडक्ट की वारंटी है, 5 साल इसके टैंक वारंटी है। अब हम इसका ऊपर से अगर ओवरव्यू देखें तो ये है दोस्तों इसके 2 इंडिकेटर, एक ऑन ऑफ का और एक इसकी हीटिंग का। ये इनलेट आउटलेट कनेक्शन का सेट है, ये इसका हीटिंग एलिमेंट और ये सारा स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। 2 किलोवाट हीटिंग एलिमेंट के साथ में आता है ये। अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूँ तो ABS इसकी बॉडी है, यानी रस्ट नहीं पकड़ेगी, हार्ड वाटर में जो है जंग लग के ये जो है सड़ेगी गलेगी बिल्कुल भी नहीं। बाकी थोड़ा सा जहाँ पे वॉशरूम में स्पेस का कोई इशू नहीं है वहाँ इसको आराम से लगाया जा सकता है, और जहाँ पे अगर स्पेस का इशू है वहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि इसकी हाइट जो है अच्छी खासी होने वाली है। तो अगर हाइट का कोई इशू नहीं है आप वहाँ से आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बॉडी प्लास्टिक की, टॉप ऊपर का प्लास्टिक का ये, और इसका जो टाइटेनियम कोटिंग का इसका टैंक है अंदर से, और ऐसा कुछ ये जो लगने के बाद में दिखने वाला इस टाइप का ये इसकी शेप है। पीछे से ये इसके फास्टनर के हुक दिए हुए हैं हर जगह। और एक 7,500 से 8,000 रुपए की रेंज में आने वाला ये रिकॉर्ड का वाटर हीटर है। करंट प्राइसिंग तो आप फिर चेक कर ही सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दी हुई है वहाँ से कि इस समय इसकी करंट प्राइसिंग क्या है। कभी कभी मार्केट में इसके प्राइसिंग जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो डिपेंड करता है जो है इसके प्रोडक्शन पे और इसकी डिमांड पर भी। बाकी एक बेस मॉडल में मेरे हिसाब से एक अच्छा गीज़र है 8,000 रुपये तक की रेंज का। और आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना या पूछना चाहते हैं तो आप नीचे डायरेक्ट जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है अपना जो क्वेरी है वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप एक बेटर प्रोडक्ट का चयन कर सको, चूज़ कर सको। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। थैंक यू सो मच।